वेलकम बैक। तो फाइनली आपके लिए डीयू जेट 2020 पेपर रिव्यू दोनों ही शिफ्ट का एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आ गई है। एंड आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट पेपर का रिव्यू दूंगा डीयू जेट 2020 दोनों ही शिफ्ट का, एंड ऑल्सो आपकी कट ऑफ कैसे रहने वाली है वो बताऊंगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का होगा वो होगा कंक्लूजन, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड उस कंक्लूजन में मैं आपका सबसे ज्यादा पूछा गया डाउट वो है कि भाई मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरे इतने नंबर है मुझे ये कॉलेज मिलेगा, या फिर भाई मेरे इतने नंबर ही बन रहे हैं क्या मुझे कोई भी कॉलेज मिलेगा। ये जो आपके डाउट है यार वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखो यार, आई होप ये वीडियो आपको सही में यूजफुल लगेगी। सो यार अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है यार अभी कर लो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर रिव्यू के बारे में। एंड यार देखो पेपर रिव्यू की बात करें तो सबसे पहली बात आती है लेवल की। तो यार जो आपका डीयू जेट का एग्जाम था वो वैसा ही था जैसे मॉडरेट लेवल होती है, लेवल मॉडरेट थी, क्वेश्चंस ना ही इजी थे ना ही डिफिकल्ट थे, मॉडरेट लेवल के थे। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो भी क्वेश्चन का नेचर था वो मॉडरेट लेवल का था। हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के थे या ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही लो लेवल के थे, जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे। हाँ कुछ ऐसे ट्रैप क्वेश्चंस थे जिनमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था उन्हें सॉल्व करने में, तो उन क्वेश्चन को अगर साइड रख दें तो पेपर की जो लेवल थी वो मॉडरेट लेवल का ही था। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है पैटर्न। एंड ये इस ईयर के पेपर में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी बन चुकी है, वो है पैटर्न। बिकॉज इस ईयर जो है पैटर्न को बहुत ही उलट पुलट कर दिया इन्होंने। देखा जाए यार आपके चार सेक्शन आते हैं, एक आपका क्वांट्स का आता है, एक आपका आता है जीके का, एक आपका आता है वर्बल का, एंड एक आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग का। तो यार देखो मेन चीज क्या है कि इस ईयर जो है आपका पेपर कंसिस्ट था मेजॉरिटी क्वांट्स के सेक्शन में। एंड देखो यार मेन चीज ये होती है कि ये पैटर्न ही है जो पूरे गेम को बदल के रख सकता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देखो यार अगर सबकी इक्वल वेटेज हो तो एक बार को जो है पेपर मिक्सअप होता है कि यार चलो कोई लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, कुछ क्वांट्स के टफ आ जाएंगे। बट मेन चीज ये कि यार इसमें जो है मेजरली पार्ट था वो क्वांट्स के सेक्शन का ही था। एंड ये चीज नोट करने वाली है कि हर के लिए जो है क्वांट्स का सेक्शन स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता। तो जब किसी पेपर में जिसमें सबकी इक्वल वेटेज होनी चाहिए उसमें अगर कोई ऐसा सेक्शन जो सबसे ज्यादा किसी के लिए टफ हो सकता है उसकी वेटेज बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली पेपर को हम थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं डिफिकल्ट लेवल का। वैसे क्वेश्चन की लेवल डिफिकल्ट नहीं थी, बट जब पैटर्न चेंज हुआ और वो सेक्शन की वेटेज इंक्रीज हुई जो सेक्शन सबके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता, तो उस क्वेश्चन को हम उन लोगों के लिए डिफिकल्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो बात हमने कर ली है यहां पे पैटर्न की। पैटर्न इस साल काफी ज्यादा चेंज हो गया है, एंड अराउंड में काउंट तो 2/3 ऑफ पेपर कंसिस्ट था क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग कंबाइन करके, एंड उनमें भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस क्वांट्स के ही थे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन था यार वो था लेंथी, बिकॉज यार देखो एक क्वांट्स का सेक्शन ही है जिनको सॉल्व करने में, उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। बिकॉज अगर आपको वीए के कुछ क्वेश्चन पता होंगे तो या तो आपको पता होंगे तो आप टिक कर दोगे, नहीं पता होंगे तो आप स्किप कर दोगे। एंड ऐसे ही आपका जीके का भी यही सीन है कि अगर आपको पता होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है तो आप टिक कर दोगे, अदरवाइज स्किप कर दोगे। अब बात करें लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है जो बहुत ही जनरल होती है जिसमें आप बहुत इजीली टिक करा आगे बढ़ गए, जो आप नॉर्मली देखने के बाद ही आपको आंसर पता चल जाता है। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे आपको वेन डायग्राम सॉल्व करना है वो करना है, लेकिन उनमें भी इतना टाइम नहीं लगता कंपैरेटिवली जितना आपको जो है क्वांट्स के सेक्शन में लगता है। तो जब आपका क्वांट्स का सेक्शन इंक्रीज हो गया, उसकी वेटेज इंक्रीज हो गई, तो डेफिनेटली पेपर की लेंथ भी इंक्रीज हो गई। तो अब अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे थे तो मे बी अगर आप मैथ्स में अटक के रह गए तो आप अपने 80 अटेम्प्ट की जगह आप 70 या फिर 60 अटेम्प्ट ही करके आ पाए होंगे। तो ये चीज होती है लेंथी। तो हाँ कंक्लूजन ये निकलता है मेरी तरफ से कि पेपर रिव्यू में देखा जाए पेपर की लेवल मॉडरेट थी, पैटर्न कंप्लीटली चेंज था, एंड पेपर जो था थोड़ा लेंथी था। मतलब हर जो स्टूडेंट है, मेरे पास यही फीडबैक आया कि भाई हम जितने अटेम्प्ट कर सकते थे उतने अटेम्प्ट करके नहीं आ पाए ड्यू टू लेंथी पेपर। एंड वो लेंथी पेपर का रीजन यही था कि सबसे ज्यादा क्वांट्स के सेक्शन भरे हुए थे एंड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वांट्स का सेक्शन ही होता है। तो इसलिए मेरी तरफ से जो पेपर था वो लेंथी पेपर था,
पेपर की लेवल मॉडरेट थी। अब यार बात हो गई है कि अब उन लोगों के लिए पेपर डिफिकल्ट हो सकता है जिनका जो कह सकते हैं क्वांट्स का सेक्शन इतना अच्छा नहीं था, तो उनके लिए पेपर डिफिकल्ट हो सकता है एंड उनके मार्क्स में भी वो कम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो ये अब हमने बात कर ली है, दोनों ही शिफ्ट का सेम ही सीन था, ज्यादा चेंज नहीं होता, दोनों शिफ्ट सेम ही रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम था, तो यार पैटर्न बहुत ही चेंज कर दिया, उस वजह से यार यहाँ पे पेपर कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच की तरफ चला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो है कट ऑफ एनालिसिस। तो यार देखो, कट ऑफ को आपको दो जो बहुत मेन फैक्टर होते हैं वो कह सकते हैं मैनिपुलेट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। एक आपको होता है पेपर, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि पेपर लेंथी था, लेवल मॉडरेट थी, बट जिनका क्वांट्स का सेक्शन इतना अच्छा नहीं था उनके लिए पेपर डिफिकल्ट था, तो पेपर हो गया। अब सेकेंड जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है वो होता है कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऐसे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें रैंक हो गई या फिर आपके स्कोर हो गए वो सब डिपेंड होते हैं कंपटीशन पे, एंड आगे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कट ऑफ कैसी रहने वाली है, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ये कंपटीशन। अगर हम कंपटीशन को एनालाइज करें तो यहाँ पे देखो कंपटीशन के दो मेजर फैक्टर बनते हैं, वो है एक है कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर पेपर और परफॉर्मेंस। नंबर वन पे की पेपर बैठे कितने बच्चों ने दिया बैठ के, मतलब देखो यार अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं लेकिन पेपर रियलिटी में देने कितने गए, नंबर वन फैक्टर वो हो गया। नंबर टू फैक्टर हो गया परफॉर्मेंस, कि जितने बच्चों ने बैठ के पेपर दिया उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, मे बी बहुतों ने अच्छा परफॉर्म किया, मे बी पेपर का पैटर्न चेंज होने की वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों की तरफ से नहीं जा पाई। तो ये दो फैक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कॉम्पिटिशन को, एंड कॉम्पिटिशन मेजर रोल बन जाता है आपकी कट ऑफ डिटरमाइन करने में। अब देखो यार, अगर हम बात करें कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर पेपर में, तो आप सब जानते हो कि 7th ऑफ सितंबर को आपका डीयू जेट का एग्जाम था एंड 7th ऑफ सितंबर को ही आपका आईपी मैट का भी एग्जाम था। तो अब यहाँ पे कंपटीशन डिवाइड हो जाता है उन बच्चों में जिन्होंने फॉर्म दोनों फिल करे थे। अगर किसी को आईपी मैट में ही इंटरेस्ट था एंड उन्होंने डीयू जेट फॉर्म फिल किया था तो मे बी वो आईपी मैट को देने गए होंगे एंड काफी कंपटीशन डिवाइड हुआ है, बट हम ये कंफर्म अभी भी नहीं बोल सकते कि मेजोरिटी ऑफ कहां डीयू जेट में गए या मेजोरिटी आईपी मैट में गए, बिकॉज कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कि कितने बच्चों ने पेपर अपियर करा है डीयू जेट का, तो अभी यार इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता। बट परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के लिए जो मैंने एक अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो नंबर वन फैक्टर आपका जो कंपटीशन का बनता है वो है कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर पेपर। अगर देखा जाए जब दो अंडर ग्रेजुएट लेवल के मैनेजमेंट पेपर एक साथ कंडक्ट हुए थे तो डेफिनेटली जो है कॉम्पिटिशन डिवाइड हुआ है एंड परफॉर्मेंस भी एज सच जितना भी आपको मैं आगे बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग जो है इतना अच्छा नहीं गया लोगों की तरफ से। तो अब कट ऑफ की तरफ देखा जाए पेपर और कंपटीशन को डिफाइन करने के बाद, एक बार मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूं कि बच्चों की कैसी गई है मेरे पोल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो यार, ये मैंने एक पोल रखा था जिसमें अराउंड अभी तक थोड़ी देर पहले मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे 812 वोट्स हुए थे, मे बी अभी थोड़े ज्यादा हो गए होंगे तो वो आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे 812 वोट्स में से अराउंड मैंने यहाँ पे लिखा था कि किसने मोर देन 300 स्कोर एक्सपेक्ट किया हुआ है, किसने 250 टू 300 एक्सपेक्ट किया हुआ है, किसने 200 टू 250 किया हुआ है, किसने 150 टू 200 किया हुआ है एंड किसने लेस देन 150 एक्सपेक्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आंसर की। तो उसमें देखो यार, जो 812 में से 5% ने कहा कि वो 300 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 7% ने कहा कि वो 250 टू 300 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 15% ने कहा कि 200 टू 250 कर रहे हैं एंड यहां पे 28% ने कहा 150 टू 200 कर रहे हैं एंड 45% दैट इज मेजॉरिटी ने कहा कि वो 150 से कम स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यार देखो, अब ऐसे इस पोल को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार इतना परफॉर्मेंस इतनी हाई लेवल की नहीं गई सबकी, कि सबके कोई 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा खाली अराउंड 12% के रहे हैं यहाँ पे एंड 250 से नीचे के ही मैक्सिमम यहाँ पे अराउंड 88% के यहाँ पे 250 से नीचे स्कोर ही रहा है अकॉर्डिंग टू 812 स्टूडेंट जिन्होंने ये पोल में पार्टिसिपेट किया है। तो यार इसको देखने के बाद आपको लग रहा हो कि परफॉर्मेंस एज सच इतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं गई है सबकी तरफ से। आप सब जानते हो रीजन, क्योंकि पेपर जो है मोर ओरिएंटेड था टुवर्ड्स क्वांट सेक्शन। तो यार अब ये सब चीजों को एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है एंड वो कंक्लूजन है कि आपकी कट ऑफ में डेफिनेटली डिप आप देखने वाले हो। जो कट ऑफ आपकी, जो कॉलेज आपको मे बी
पहले प्रीवियस ईयर तक 300 में मिल रहा था, वो मे भी अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ऐसा कि 260-270 में भी मिल जाएगा, मे भी उससे भी कम में मिल जाएगा। अराउंड 30-40 मार्क्स का डिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। पेपरों को देखने के बाद, आप सबके ओपिनियंस लेने के बाद, मेरे पास भी काफी फीडबैक आया है आपके अकॉर्डिंग, तो यार यही लग रहा है मुझे कि अराउंड 30-40 मार्क्स का जो एक डिप आने वाला है कट ऑफ में। एंड अब यार बात कर लेते हैं, कट ऑफ का रिव्यू मैंने आपको दे दिया, पेपर का रिव्यू मैंने आपको दे दिया, अब एक सबसे बड़ा डाउट आपका रहता है कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे इतना ये वाला कॉलेज मिल सकता है, या फिर मेरे मैं 260 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे शहीद सुखदेव मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। देखो यार, एक नंबर वन बात आप ये सोचो, कोई भी आपको कंफर्म ये नहीं कह सकता कि भाई आपके इतना स्कोर आ गया है तो आपको जो है ये कॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज देखो यार, ये जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से या फिर आपका ये DU JET का एग्जाम है, इसमें कोई एज इट इज कोई कट ऑफ नहीं होती, कोई पासिंग परसेंटेज नहीं होती कि अगर आपने 250 से ज्यादा स्कोर किया है तो ही आपको शहीद सुखदेव कॉलेज मिलेगा। अब देखो बात समझो, अगर देखो यहां पे बच्चों ने पेपर दिया एंड DU JET में मैक्सिमम स्कोर करने वाले के 200 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 400, तो अब जो 200 मार्क्स वाला अगर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला है तो 200 मार्क्स वाले की भी रैंक 1 कहलाई जाएगी एंड उसको सबसे पहले शहीद सुखदेव कॉलेज मिलेगा। तो यार ये मन से डाउट हटा दो कि भाई हमारे इतने नंबर आए हैं तो हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मे बी अगर जो है परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं गई बच्चों की, या फिर कम बच्चे ही अपीयर हुए एग्जाम में, तो मे बी बहुत ही कम नंबरों में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उससे भी ज्यादा अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। तो यार अभी बिल्कुल ये चीज मत सोचो कि यार, देखो यार मेन चीज जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो होती है रैंक। अगर आपकी रैंक, मे बी हो सकता है कि आपकी 200 रैंक अगर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले के 200 आए हैं तो मे बी उसकी रैंक 1 हो जाएगी, एग्जाम्पल तौर पर बोल रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि आपके इतने नंबर आए हैं तो आपको कोई कॉलेज मिल सकता है फिर नहीं मिल सकता। मे बी ये हो सकता है कि आपके बहुत कम स्कोर हो और औरों के भी आपके जैसे ही कम स्कोर है, तो मे बी आपकी टॉप 100 में रैंक आ जाए या फिर टॉप 10 में रैंक आ जाए, जो मे बी प्रीवियस ईयर तक आपको लग रहा है कि उतने आपके कॉम्पोजिट स्कोर में या फिर उतने स्कोर में आपकी 500 रैंक आ रही है, मे बी इस ईयर इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई तो आपकी वो ही टॉप 50 में रैंक आ जाए। तो यार ये सब रैंक होती है एंड रैंक होती है दूसरों की परफॉर्मेंस और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो कभी भी प्रीवियस ईयर को कंपेयर मत किया करो। अब पेपर से पहले मैंने एक आइडिया के लिए आपको बताया था कि आप इतने मार्क्स ले आओ आपका हो जाएगा, बिकॉज पेपर से पहले कंपटीशन डिटरमाइन कभी भी नहीं हो सकता, बट पेपर के बाद कोई भी नहीं बोल सकता कि प्रीवियस ईयर जैसा रिजल्ट रहा वैसा ही इस साल रहने वाला है, बिकॉज पैटर्न भी चेंज हो गया एक तो पहली बार इस ईयर, एंड ऑल्सो यार जो पिछले साल जिन्होंने पेपर दिया था उन्होंने इस साल नहीं दिया, दूसरों ने दिया है, आपने पेपर दिया है, तो मे बी इस साल पता नहीं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी चली गई हो या मे बी बहुत लो भी गई हो। तो यार ये सब होता है रैंक, आपको कॉलेज मिलता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, एंड कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आपकी अगर 300 आपके स्कोर है तो आपको टॉप 1 रैंक मिलेगी। मे बी जो है सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की 250 मार्क्स आए हैं तो वो 250 मार्क्स वाला ही रैंक 1 कहलाया जाएगा। तो यार ये मन से अपना मिसकंसेप्शन निकाल दो कि भाई अगर मेरे इतना स्कोर आ गया तो मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर मेरा इतना आ गया तो मुझे गारंटीड मिल जाएगा। भाई कुछ नहीं कह सकते, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एंड दूसरों की परफॉर्मेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी रैंक डिटरमाइन करने में, एंड उस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा। अब देखो यार, अब ये क्वेश्चन अभी मत पूछो कि भाई मेरे इतना स्कोर आया है, बिकॉज अगर आप सोचो, हो सकता है कि आप बहुत ही परेशान होकर बैठ गए कि भाई मेरा इतना स्कोर आया, एंड मे बी आपके उसी स्कोर में आपकी टॉप 100 में रैंक आ जाए एंड आपको शहीद सुखदेव कॉलेज भी मिल जाए, कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता है ये बात। तो मे बी यार ये डिटरमाइन होती है औरों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, मे बी जितना आपने स्कोर किया है वो आपको टॉप 200 में ले जाए एंड आप सोच रहा है मुझे तो कोई कॉलेज भी नहीं मिलेगा इस रैंक में या फिर इस स्कोर में। तो यार ऐसा कभी भी मत सोचो, कभी भी निराश मत हो। अब मैं आपको कोई दिलासा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं एंड ये फैक्चुअल है कि ये सब डिटरमाइन होता है औरों की परफॉर्मेंस पे भी। हो सकता है कोई इतना अच्छा स्कोर ले आया हो एंड बाकी इतना अच्छा नहीं लेके आए हो, तो टॉप 1 वाले जो 300 स्कोर है बाकी रैंक 2 वाले के मे बी 250 स्कोर हो। तो यार ये सब ना औरों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है, तो अभी घबराओ मत, अभी रैंक का वेट करो, एक बार रैंक आ जाए ना तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरी इतनी रैंक आ गई है अब तो मुझे गारंटी डे कॉलेज मिलेगा मिलेगा। लेकिन कभी भी प्रॉपर रिजल्ट आने से पहले निराश मत हो कभी भी, मे बी यार आप जितना सोच रहे हो आपको उससे बढ़िया कॉलेज मिल जाए आपके जो आपने स्कोर एक्सपेक्ट किया है उसमें।
देखो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड यार इसके रिगार्डिंग अभी और भी आगे वीडियोस आने वाली है कि कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कितनी रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, एंड मैक्सिमम रैंक कितनी जाती है, मिनिमम रैंक कितनी जाती है, हर एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला। तो कोई घबराने की बात नहीं यार, आपका भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस चिल रिलैक्स होके बैठो एंड बस एंजॉय करो इस पूरे प्रोसेस को, एडमिशन प्रोसेस को, एंड बेस्ट ऑफ लग गया मेरी तरफ से, बढ़िया ही जाएगा आपका जो भी जाएगा, सबके प्रॉपर अच्छे से एडमिशन होंगे, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और देखो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी कर लो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।